छात्र अभिभावक मंच हिमाचल प्रदेश ने निजी स्कूलों की मनमानी, लूट व भारी फीस के खिलाफ उच्चतर शिक्षा निदेशालय शिमला के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद मंच का एक प्रतिनिधि मंडल शिक्षा निदेशक अमरजीत शर्मा से मिला और उन्हें एक मांग पत्र सौंपा। इस दौरान निदेशक ने आश्वासन दिया कि निजी स्कूलों में आम सभा आयोजित करने, पीटीए के गठन व वर्ष 2022 की फीस बढ़ोतरी पर रोक लगाने के लिए तुरंत आदेश जारी कर दिए जाएंगे। इस बाबत वह जल्द अधिसूचना जारी करेंगे। उन्होंने कहा कि निजी स्कूलों पर नकेल लगाने के लिए कानून व रेगुलेटरी कमीशन बनाने का प्रस्ताव वह जल्द सरकार को भेजेंगे। मंच के संयोजक विजेंद्र मेहरा व सह संयोजक विवेक कश्यप ने निजी स्कूलों में भारी फीसों, मनमानी लूट, फीस वृद्धि और गैर कानूनी फीस वसूली पर रोक लगाने के लिए प्रदेश सरकार से कानून बनाने की मांग की। निजी स्कूलों की मनमानी लूट और भारी फीसों के खिलाफ धरना है। प्रदेश के अंदर निजी स्कूलों का संचालन हो, इसके लिए कानून बने, रेगुलेटरी कमीशन स्थापित हो, इस बात के लिए ये प्रदर्शन हम कर रहे हैं। 3415 निजी स्कूल हैं, 7 लाख विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, 10 लाख अभिभावक है, ये 17 लाख लोग जो है इनको न्याय मिले, इनको अच्छी शिक्षा मिल पाए, ये जो है अपने बुनियादी अधिकार को इस्तेमाल कर पाए, इस बात को लेकर ये धरना दिया गया। आपको मालूम है 6 सालों से हम आंदोलन लड़ रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं कि निजी स्कूल मनमानी कर रहे हैं। हाई कोर्ट ने निर्णय दिया, माननीय उच्च न्यायालय ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, MHRD की गाइडलाइंस हैं 2014 की, 2005 की CBSE की गाइडलाइंस हैं, 2009 का शिक्षा का अधिकार कानून है। तो ये सारे इस बात पर जोर देते हैं कि निजी स्कूल जो है मनमानी नहीं कर सकते हैं, तरह तरह के चार्जेज ये वसूल नहीं सकते हैं। 2019 की जो अधिसूचना है शिक्षा विभाग की, वो साफ कहती है पीटीए का गठन होना चाहिए। 99% स्कूलों में पीटीए का गठन नहीं हुआ है। फीसें जो है जनरल हाउस के अंदर डिसाइड होनी चाहिए, जनरल हाउस का भी आयोजित नहीं होता है। और इस बात के साथ साथ जो किताबों में, ड्रेस में और दूसरी चीज़ों में जो कमीशन खोरी चल रही है लाखों रुपये की, ये सारा जो एक बिजनेस बन गया प्राइवेट स्कूल, इस बात के खिलाफ ये धरना प्रदर्शन हम कर रहे हैं। सारे राजनीतिक दलों से भी हम ये मांग करते हैं वो अपने घोषणा पत्र में इस बात को स्पष्ट करें कि वो निजी स्कूलों की मनमानी के ऊपर क्या रुख रखते हैं, क्या वो घोषणा पत्र में इस बात को जो है जगह देंगे कि नहीं देंगे, उनका क्या नज़रिया है, इस बात को लेकर भी हम उनसे ये मांग करते हैं। और लास्ट में हम ये सरकार से कहना चाहते हैं कि अभी जो है सरकार का कार्यकाल पूरा हो रहा है, ये लंबी मांग रही है अभिभावकों की, तुरंत जो है इस विषय पर जो है निर्णय लेकर जो है कानून बनाए, रेगुलेटरी कमीशन स्थापित करें और अभिभावकों और छात्रों को न्याय। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।